प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है और आज हम आपके सामने एक विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रयोग करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो देखो, एक हमने क्या किया है, इस कागज को सेम एक ही कॉपी का कागज है और इन दोनों कागजों को हमने अलग अलग शेप दे दिया। इसको हमने बेलनाकार आकृति दी है, हमने यहाँ रख दिया। दूसरा है, इसको हमने घनावाकार आकृति दी है और इनको यहाँ पर रख दिया है। अब हम बारी बारी के से इनके साथ कोई प्रयोग करते हैं। तो ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं इस पर रखता हूँ, बिल्कुल सावधानी से रखेंगे। इस तरीके से हमने इस पर ये पुस्तक रख दी जो इसको सेंड कर पा रही है। दूसरी जो पुस्तक है हम इसको इस पर रखते हैं, पुनः ये रख दी। अब हम एक और पुस्तक उठाते हैं और सावधानी से फिर इस पर रखते हैं, तो ये गिर चुकी है। अब हम इन्हीं पुस्तकों के साथ पुनः प्रयोग इसके साथ करते हैं। तो हमने ये पुस्तक इस पे रखी, बिल्कुल सावधानी से रखेंगे। दूसरी पुस्तक है, ये हम इस पे रखेंगे, तो ये दो ही पुस्तकों में गिर गया, यानी इसने तीन पुस्तकों का भार सहन कर लिया था और इसने सिर्फ दो ही पुस्तकों का भार सहन कर पाया था। अब हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है, कि जो चौकोर आकृति थी उसने कम वजन क्यों सहन कर पाया और जो गोलाकार आकृति थी उसने ज़्यादा वजन क्यों सहन कर पाया। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्रिज बनते हैं, चाहे आप मेट्रो में सफ़र किया हो तो मेट्रो के नीचे जो पुल, मेट्रो के नीचे जो खम्भे होते हैं या और कोई ब्रिज होता है, तो उसके नीचे जो खम्भे बने होते हैं आपने देखा होगा मोस्टली इस शेप के होते हैं, यानी जो बेलनाकार होते हैं, इस शेप के नहीं होते। तो देखो, इसको कारण क्या है कि इसमें ये जो हमारा चौकोर या घनावाकार खम्भा था, इस पर जो स्ट्रेस था वह स्ट्रेस सिर्फ चार जगह था, यानी एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, यानी इसके चारों कोनों पर स्ट्रेस था। और इस पर क्या था कि इस पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर हम निर्धारित करें कि इसका स्ट्रेस यहां पर है। इसमें क्या है कि सारा का सारा स्ट्रेस जो था वो सभी सतह पर था, इसलिए स्ट्रेस जो इसको तनाव को झेलने की शक्ति जो थी या बल को झेलने की शक्ति थी वो सारा खंभा वहन कर रहा था, यानी सारी शक्ति इस पर लग रही थी। तो उसको उसको वहन करने के लिए इसकी सारी सतह जिम्मेवार थी और यहाँ पर क्या था, सारी सतह जिम्मेवार नहीं थी, सिर्फ ये चार ही कोने थे जो इसको सहन कर पा रहे थे। तो स्ट्रेस को सहन करने के लिए स्पेस इस पर कम था, स्पेस इस पर ज़्यादा था, इसलिए इसको सहन कर पाया। तो यही कारण है कि जो खंभे हैं उनको हम ज़्यादातर गोल बनाते हैं ताकि वह ऊपर उन पर जो वेट पड़ता है या उन पर जो दबाव पड़ता है वह उसको ज़्यादा झेल पाते हैं, और चौकोर खंभे हैं या जो चौकोर खंभे हैं, घनावाकार खंभे हैं, वह उस वजन को कम झेल पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वह चार ही जगह पर होता है। और दूसरा जो खंभा है, गोलाकार है या सॉरी बेलनाकार कहेंगे, बेलनाकार है, उस पर जो स्ट्रेस है वह पूरी सतह पर होता है, इसलिए उसको ज़्यादा झेल पाता है। तो आशा करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक और ऐसी ही कोई जादुई घटना या प्रयोग के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।